अखिल भारतीय काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष खासदार इम्रान प्रताप गडी हे मालेगावला सूतगिरणी कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यावर चर्चा करण्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हनी बशीर शेख यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी द्वारका चौकात खासदार इम्रान प्रताप गडी यांचं ढोल ताशांच्या गजरात स्वागत केलं. खासदार इम्रान प्रताप गडी यांचं द्वारका चौकात आगमन झालं असता हनी बशीर शेख आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुष्पहार घालून स्वागत केले. हनी बशीर शेख यांनी देशात असलेले काही ज्वलंत प्रश्न त्यांच्याकडे मांडले. लव जिहाद सारख्या प्रश्नाहून समाजाकडे हेतुता बघितले जात असून त्या धार्मिक रंग देणे उचित नाही असंही शेख म्हणाले. ऑल इंडिया के अध्यक्ष इम्रान प्रताप गडी आज नाशिक दौरे पे थे. उनका हमने भव्य सत्कार करा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से और यहाँ सभी समाज के लोग जमा हुए थे. सभी समाज के लोग आज हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज आए दिन ये लव जात लाए ये लोगों ने. इसके लिए हमने खास करके इमरान भाई से यही गुजारिश की कि ये यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर जो चढ़ रहा है लव जात हमारे को यही समझ में आ रहा नहीं लव जात क्या है. खासदार इम्रान प्रताप गडी यांनी हनी बशीर शेख आणि कार्यकर्त्यांचे प्रश्न समजावून पक्षाच्या माध्यमातून त्यावर आवाज उठवला जाईल अशी ग्वाही दिली. उनका स्टेटमेंट तो शुरू में कह दिया ना कि इस तरह के मामलों को राजनीतिक रंग देकर के राजनीतिक रोटी सेंकना ये अच्छी राजनीति नहीं. जो आज नाशिक गए आप देखिए, आज मैं मालेगांव जा रहा हूँ. हम लोग बुनकर जो है मालेगांव के ही नहीं बल्कि पूरे देश के, हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में 100 से ज्यादा भारत जोड़ो बुनकर संवाद का प्रोग्राम कर रहे हैं. हम बुनकरों के बीच में जा रहे हैं, उनकी दुश्वारियां उनकी परेशानियां समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, वो उद्योग जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है उस उद्योग को बर्बाद कर दिया है. हम उनकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं. हमने संसद में भी आवाज उठाई थी और आने वाले दिनों में और देखिए, ये सरकार का गढ़ा गया एक मुद्दा है. प्यार में कोई दूसरा एंगल नहीं होता, प्यार प्यार होता है. और प्यार के नाम पे अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वो धोखेबाज है, उस धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए. उसमें कोई और एंगल नहीं होता, लेकिन सरकार उसको दूसरा एंगल देकर के उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहिए. या प्रसंगी माजी नगर सेविका आशा तडवी, समीरा पठाण, फारूक कुरेशी, ईशा कुरेशी, फारूक मंसूरी, दाऊद शेख, नदीम शेख, शब्बीर पठाण, जाकीर शेख, साजिया शेख, इलिजा शेख आणि काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. गुड्डू शेख, दिशानुज, नाशिक.